तो गाइस यार आज ना मैं सुबह सुबह उठ गया था और मैंने गाइस सिंचन को भी उठाया और चॉप को भी। गाइस क्योंकि ना देखो हमारा ना पूरा का पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है और हम लोगों ने कई दिनों से सफाई भी नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो सिंचन और चॉप को उठा देता हूँ, ये लोग मेरी मदद कर देंगे गाइस। अरे यार झाड़ू उठा और झाड़ू मार देना जल्दी, मेरे जैसे छोटे बच्चे से काम करवाओगे क्या? अबे यार मेरी मदद भी नहीं कर सकता है क्या सिंचन? यार तू इतना बड़ा तो हो गया है ना, तो मेरी मदद तो करवा ही सकता है यार। अरे हाँ बता दूंगा कहाँ कहाँ पे गंदा है, आप साफ कर लेना ठीक है यार। अरे नहीं नहीं तू भी मेरी मदद करेगा, चल चल झाड़ू उठा ठीक है ना। चलो गाइस झाड़ू उठाता हूँ साफ करता हूँ यार। उड़ी बाबा आज तो मजा आ जाएगा, आज फ्रैंकलिन को दिखाऊंगा ये लॉस एंजेलिस की सबसे लंबी कार। उड़ी बाबा इतनी महंगी कार तो सिर्फ मेरे पास है बाबा, फ्रैंकलिन के पास तो घटिया कार है बाबा। मुझे पता है फ्रैंकलिन के पास इतने पैसे नहीं रहते, चलो आज उनको चिढ़ा के आता हूँ बाबा और सिंचन बच्चे को भी चिढ़ाऊंगा। चलो चलो मजा आएगा, क्या गाड़ी है ना दोस्तों, मुझे पता है बहुत बढ़िया गाड़ी है। उड़ी बाबा इसकी लंबाई देख के तो फ्रैंकलिन और सिंचन दोनों बेहोश हो जाएंगे बाबा, क्योंकि उन दोनों ने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी गाड़ी तो कभी देखी नहीं होगी। चलो बाबा उनको अभी बताता हूँ। अरे फ्रैंकलिन बाबा सिंचन बाबा सुनो, अरे यार ये लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हैं क्या? नहीं लगता तो नहीं है। उड़ी बाबा सुनो, अरे यार बाबा सच में आज तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब जाऊंगा घर और आराम से खूब ज्यादा खाना पीना खाऊंगा। कहाँ गए बाबा लोग? अरे यार मुझे लेस्टर भैया, अरे लेस्टर भैया हमारे घर क्या कर रहे हो आज? आज क्या हो गया जो हमारे घर आ गए आप? उड़ी बाबा फ्रैंकलिन काम भी वैसे ही कर रहा है जैसा खुद है। अरे बाबा सुनो मैं क्या लेके आया हूँ, चलो चलो बाहर दिखाता हूँ बाबा। क्या लेके आये हो? अभी तो मैं घर की सफाई कर रहा था। चलो देख के आते हैं गाइस कि ये क्या लेके आए हैं। अबे झाड़ू गिरी भी नहीं गाइस, चलो। अरे यार लगता है ना लेस्टर भैया बहुत ज्यादा खुश हैं आज, देखते हैं कि आज क्या लेके आए हैं। चल आटा सिंचन चलते हैं ऊपर यार। अरे क्या खाने पीने को लाई हो क्या? उड़ी बाबा चीज ऐसी लाया हूँ जो कभी तुमने देखी नहीं होगी बाबा। क्या लेके आ गए हो भाई? अभी इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी ये आपकी है क्या? उड़ी बाबा बिल्कुल सही समझा, और ये देखो कितनी बेकार गाड़ी है बाबा, कभी तो पैसे लगाया करो। छी छी कितनी गंदी गाड़ी है बाबा। लास्ट भी आराम से मेरी बहुत प्यारी गाड़ी है वो, उसको मत मारो ठीक है ना। चलो बाबा मैं तो चला घूमने। चलो यार बाबा चलो गाइस हम भी चलते घूमने के लिए। उड़ी बाबा उतरो उतरो। अरे यार तुमने कभी जिंदगी में अपनी गाड़ी देखी है क्या? तुमने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, पागल हो क्या बाबा? अरे लेस्टर भैया क्या हो गया, मैं गाड़ी में बैठा ही तो था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे यार इतनी लंबी कार में हम लोग भी अंदर बैठ जाएंगे तो क्या जा रहा है, कार तो उतनी ही लंबी रहेगी, छोटी थोड़ी हो जाएगी। उड़ी बाबा वो सब मुझे नहीं पता, अब गंदी कर दी ना मेरी गाड़ी, हटो बाबा अब मैं इसको पहले साफ करता हूँ। अरे कहाँ से गंदी हो गई यार, हटो। यार देख रहे हो मैंने बस गाड़ी को छुआ था और लेस्टर भैया ने गाड़ी को साफ कर दिया, कह रहे हम लोग बहुत ज्यादा गंदे हैं। यार जैसा भी है हम लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस इनने हमारी गाड़ी में लात भी मारा, चलो एक काम करते हैं मैं अपनी वाली गाड़ी निकालता हूँ, इस गाड़ी से थोड़ी कम तो ही ना है। चलो सिंचन देख ये गाड़ी भी कितनी प्यारी लग रही है, एक मिनट गाइस मैं इसको बाहर निकालता हूँ यार। अरे यार वैसे सच कहा जाए तो ये गाड़ी है तो पुरानी और बकवास भी, फेंकी भी है, हमें भी कुछ अपग्रेड करना चाहिए यार। गाइस यार हाँ छोटी तो है, चलो कोई बात नहीं, ये लेस्टर भैया ना कुछ ज्यादा घमंडी हो गए हैं, जाओ लेस्टर भैया जाओ अकेले घूमने जाओ ठीक है ना। उड़ी बाबा बढ़िया आराम से एसी ऑन करता हूँ। ओ भाई साहब बाबा बहुत बढ़िया लग रहा है, अरे रुको बताता हूँ फ्रैंकलिन सिंचन को। लो बाबा। अरे भाई ओ भाई यार ये तो हमें डरा भी रहे हैं, तुम्हें बाद में बताऊंगा। उड़ी बाबा ये क्या बताएंगे, पहले अपना तो ध्यान रख लें। गाइस आप लोग देखिए इतनी लंबी कार लॉस एंजेलिस में पहला मेरे पास ही आया है, क्योंकि मैं ही इस लॉस एंजेलिस के इस लंबे कार का मालिक हूँ। चलो बाबा यहाँ से निकलता हूँ और पार्टी करने जाता हूँ। ओके गाइस देखो वो हम लोग को डरा के भाग गया, यार सही में लेस्टर भैया के पास एक अच्छी गाड़ी क्या आ गई, वो तो बहुत ज्यादा घमंडी हो गए। गाइस आप लोग चाहते हो कि हम भी एक ऐसी गाड़ी लेके आए तो आप लोग ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस फटाफट से कर दो फिर मैं पक्का लेके आऊंगा। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ तो करूँ क्या, वेट 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 इससे लंबी गाड़ी लेके आऊंगा। चल सिंचन मेरे दिमाग में एक काम चल रहा है, चले क्या हम लोग सिमोन के पास? अरे यार चलो चलो गाइस यार सिमोन के पास जाके उसके पास से हम भी एक लंबी कार खरीदेंगे, मजा आएगा। चलो चलो गाइस आज ना जो लास्ट भैया ने हमारी बेइज्जती मारी है ना उसका बदला तो गाइस मैं लेके रहूंगा, क्योंकि गाइस को ज्यादा ही बेइज्जती मार दी और हमें गाड़ी से डरा के भी गए
और तो और मेरी गाड़ी में लात भी मारा। एक टाइम आया गाइस कि मैं उनकी गाड़ी में लात मारूंगा। चलो अरे चुप जल्दी बैठ यार, लेट मत करा मेरे को आज। अरे हाँ हाँ मैं बैठ गया, चलो चलो। गाइस यार उनने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, ना मैंने उनको कुछ बोला। लेस्टर भैया अभी भी मेरे दोस्त हैं यार, लेकिन उनने हमें कितना धोखा दिया ना आज। हाँ भाई साहब देखा नहीं, वो अकेले अकेले घूमने चले गए और उनकी गाड़ी में मैं क्या बैठ गया ना, उनने बोला गंदी हो जाएगी और उनने मेरे सामने गाड़ी को साफ कर दिया। गाइस मैं इतना गंदा थोड़ी ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज मैं लेस्टर भैया को बताऊंगा। और वो कह रहे थे पैसे की बात, तो मैंने तो बहुत सारे पैसे बचा रखे हैं गाइस, जिससे मैं बहुत लंबी गाड़ी ले सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी ना फटाफट से मैं सिमोन के पास जाता हूँ और उससे जाके बहुत लंबी गाड़ी लेता हूँ यार। अरे चलो चलो, लेकिन आराम से यार, ठोको मत। गाइस सच में आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कैसे उन्होंने हमारी बेइज्जती की। लेट्स गो गाइस, ये देखो हम लोग कितने स्पीड में आ चुके हैं सिमोन के शोरूम के पास। गाइस अभी थोड़ा आगे जाके फिर सिमोन का शोरूम आ जाएगा। लिटरली गाइस आज ना लेस्टर भैया ने हद कर दी है, कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं उनको आज क्या हो गया कि हमारी बेइज्जती मार के चले गए। लेकिन गाइस उनको ये नहीं पता कि मेरे पास भी पैसे हैं और बहुत सारे पैसे हैं गाइस, जिससे मैं बहुत लंबी गाड़ी ले सकता हूँ गाइस। चलो वो देखो, वो रहा सिमोन का शोरूम और सिमोन नहीं दिख रहा, क्या बात है। अच्छा धूप होगी ना, इसीलिए अंदर एसी में बैठा होगा वो। अरे यार सिमोन कहाँ गए? अरे सिमोन अंकल सुनो, गाइस यार यहाँ पे कार तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, चलो हम लोग सिमोन अंकल से बात करते हैं। सिमोन अंकल कहाँ गए? अरे इनके ऑफिस में जाके देखो यार। अरे अरे यहाँ भी यार कैबिन में तो है नहीं, चलो बगल वाले ऑफिस में होगा। अरे सिमोन, अरे ये रहा सिमोन। अरे सिमोन सुनो। अरे आओ फ्रैंकलिन आओ, आज कैसे आना हुआ तुम्हारे को? अरे क्या बताऊं सिमोन भैया, आज ना लेस्टर ने बहुत ज्यादा बेइज्जती मार दी। आज हमारे घर आया और इतनी लंबी कार लेके आया था ना कि यार हमें बहुत चिढ़ाया, तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक लंबी कार चाहिए यार। अरे यार एक दिक्कत है, वो सिर्फ लॉस एंजेलिस में सिर्फ एक कार थी और लेस्टर ने उसको पहले ही बुक कर रखा था, और वो जैसे ही मेरे पास आई वो लेके चला गया यार। अच्छा वो गाड़ी आपसे ही लेके गया है यार। ये सुनो सुनो सुनो, ये नीली वाली कार भी तो काफी ज्यादा लंबी है ना। अरे हाँ हाँ है तो लंबी, ये खरीदना है तुमको? लेकिन गाइस उससे छोटी है ये। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें इससे भी लंबी कार बनानी है तो ऐसी एक और कार को इसके पीछे लाके वेल्डिंग कर दो और जोड़ दो, वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और अटैच हो जाएगी यार। अच्छा ऐसा भी होता है क्या सिमोन? अरे हाँ हाँ तुम्हें पता नहीं है, लॉन्गेस्ट कार ऐसी तो बनती है यार। अच्छा गाइस अभी जाके मुझे सारी की सारी बातें समझ आई। अभी ना सिमोन भैया मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इनकी सेम कार रखी हुई है, और मैं वहाँ पे जाके दो कार ले लूँगा और उसके बाद मैं दो कार को जोड़ दूंगा गाइस, उसके बाद मेरे पास लॉस सैंटोस की सबसे लंबी कार होगी। तो चलो सिमोन आज मेरी मदद कर दो यार। अरे लॉस सैंटोस की सबसे लंबी कार 5 कारों से बन के बनी है यार। अच्छा अच्छा सही हुआ आपने मुझे बता दिया। अरे 5 कार कितनी लंबी होगी यार? अबे यार ये तो देख, इनने हमें सही हुआ बता दिया, अब 5 नहीं हमें पूरे 6 नहीं पूरे 8 कार देना, जिन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद हमारे पास होगी लॉस एंड्रोस की सबसे लंबी कार। चलो गाइस अभी तो मैं आ गया हूँ यार। अरे हाँ हाँ आओ आओ, ये है मेरा यार गोदाउन। चलो यहाँ पे ना मतलब सेम कार मिल जाएगी तुमको, देखो ये वाली कार ही है ना वो। अरे हाँ हाँ यही वाली गाड़ियाँ तो हैं। चलो गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ बिल्कुल सेम, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कोई फर्क तो नहीं इनमें। सिंचैन तू पीछे से चेक कर और मैं यहाँ से चेक करता हूँ यार। अरे हाँ हाँ मैं खुद चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैं कभी बेकार गाड़ियाँ कभी नहीं बेचता हूँ, क्या पता कोई गाड़ी बेकार हो तो मैं रिप्लेस तो कर दूंगा। चलो गाइस एक मिनट मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस टोटल 8 गाड़ियाँ सेम कलर की, अब तो मजे आ गए गाइस। अरे सिंचैन तुझे कोई फर्क लगा क्या गाड़ियों में? अरे नहीं नहीं कोई फर्क नहीं दिखा, सब कुछ डन है, ओके है। गाइस यहाँ पे 8 कलर की जो कार है वो स्काई ब्लू कलर में है और बाकी 4 अलग कलर में है यार। तो गाइस अभी ना मैं इन सभी गाड़ियों को ले लेता हूँ। तो सिमोन ये बताओ एक गाड़ी कितने की है यार? अरे एक कार 10 लाख की है यार। 10 लाख की है तो मैं 8 गाड़ी ले रहा हूँ, तो टोटल हो गए 10 × 8 हाँ 80 लाख रुपए। तो गाइस 80 लाख रुपए हो गए, तो चलो फटाफट से सिमोन को दे देता हूँ यार। अरे थैंक्स यार फ्रैंकलिन, आज तुमने पैसे एकदम टाइम पे दे दिए, थैंक्स यार। ऐसे ही आया करो गाड़ियाँ लेने यार। अबे वेट वेट वेट,
मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ ले तो लिया है, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊंगा यार? एक एक गाड़ी चला के जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे सिमोन। अरे वो देखो ट्रक है ना, वो मेरा ही है। एक काम करो, मेरा ट्रक लेके चले जाओ। और क्या? अच्छा ये लाल वाला ट्रक। चलो गाइस ये लाल वाला ट्रक मैं लेके जाता सारी की सारी गाड़ी। वेट, पीछे ट्रेलर तो है ही नहीं। अरे वो ट्रेलर भी है पार्किंग में, पार्किंग से ले लो यार। अरे हाँ समझ गया। एक मिनट सिंचन, वेट कर मेरा, मैं ट्रेलर को लेके आऊँ। चलो गाइस हमें ट्रेलर भी फ्री में मिल गया है। और गाइस अब जाते हैं, अब हम बताएंगे लेस्टर को कि हम लोग क्या चीज़ हैं। चलो चलो थोड़ा और पीछे, और अटैच हो गया। चलो अब गाइस इसको घुमा लेता हूँ, वरना सारी गाड़ियों को घुमा नहीं पाऊँगा मैं एक साथ। और थोड़ा आगे, और इतना बड़ा ग्राउंड है गाइस, इतने में तो घूम ही जाएगी। और भाई सब ठीक है। चलो अब पीछे लेता हूँ, अब ठीक है। अरे यार सही में 8 गाड़ियाँ इसके अंदर आ जाएंगी? नहीं गाइस, मुझे लगता है ना मुश्किल से 2 गाड़ियाँ आएंगी। हमें ना एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। और पीछे, अरे यार ये तो घूम भी नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये अब भाई सिंचन बताना, कहीं पीछे लग रही है क्या? अरे नहीं लग रही, आराम से आओ आराम से आओ। गाइस यार गाड़ियाँ देखो यार, 8 कार वो भी सेम सेम कलर की। वाओ यार गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर ये एक बार लंबी कार बन जाएगी ना, तब देखना कितनी लंबी दिखेगी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे हाँ यार, मैंने भी नहीं देखी आज तक इतनी लंबी कार। हाईएस्ट जो कार बनी है वो 5 कार की बनी है यार। चलो गाइस अभी ना मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, अभी ना एक एक गाड़ी मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगा और भाई साहब फटाक से यहाँ से लेके निकल जाऊंगा। अरे सिंचन बताइयो, कोई गाड़ी ठुकेगी तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ आराम से यार, चढ़ाना ही तो है, इतना हार्ड थोड़ी है। गाइस आप लोग देख सकते हो, फेंगी भी एक गाड़ी भी नहीं चला पा रही। अबे नहीं नहीं, काफी ज्यादा लंबी गाड़ी है यार, ये घूम नहीं पा रही। चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। और अबे यार सही में ये तो लंबी है। चलो भाई यार मेरी ड्राइविंग में शक नहीं, चलो अब सीधे चलते हैं और आराम से। और भाई ऊपर चढ़ गई। चलो और आगे करो, और आगे। अबे और गाड़ी क्या करूँगा, आगे गिर जाएगी। नहीं नहीं और आगे हो सकती है गाइस, थोड़ी और आगे कर देता हूँ, और थोड़ी आगे। बस बस इतना तो ठीक है ना सिंचन? अरे हाँ हाँ इतना ठीक है। चलो गाइस यार बढ़िया, अभी एक और गाड़ी रखो यार। रुक जा आ रहा हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ, आदमी हूँ। चलो गाइस ये सामने वाली गाड़ी को उठाता हूँ, उसके बाद उसके पीछे रख देता हूँ। यार सही में इतनी सारी गाड़ी रखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। और थोड़ा आगे, अरे फटाफट रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं लगेगा प्यांगी भैया। अरे हाँ हाँ रुक जाना। चलो 2 गाड़ी तो बहुत आराम से आ गई गाइस, मतलब 2। अब एक के ऊपर एक रखनी पड़ेगी मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। और सिंचन आना मेरी मदद करवा यार, सही में ये गाड़ियाँ तो बहुत भारी भारी है यार। अरे तो क्या मदद कराऊँ, गाड़ी तो रखनी ही पड़ेगी ना, मैं जेसीबी या कोई मशीन थोड़ी हूँ या कोई क्रेन थोड़ी ना हूँ। अबे यार ये लड़का तो अलग ही पागल है। चलो कोई बात नहीं, अब इसको इसके ऊपर रखता हूँ। लेट्स गो गाइस, मैं सारी की सारी गाड़ी रख के मिलता हूँ आपसे। और गाइस देखो मैंने सारी गाड़ी एक के ऊपर एक रख दिया। देखो यार मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है मैं 2 मंजिला इमारत में खड़ा हूँ। और ये देखो देखो गाइस, सारी की सारी गाड़ी मैंने बांध दी है, अब कैसा लग रहा है पूरा ट्रक, देख रहे हैं सिंचन? अरे हाँ हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। गाइस आपको ये कैसे लग रहा है? वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में बताओ। ये बिल्डिंग की तरह लग रहा है ना, अरे एकदम ऐसा लिखने में लग रहा है कि कार बिल्डिंग है यार, कार बिल्डिंग। वैसा तो मुझे भी लग रहा है गाइस, लेकिन चलो सिमोन हम जाते हैं यार, हमारा काम तो हो गया। देखो गाइस सिमोन कितना ज्यादा खुश हो गया है, वो तो डांस भी कर रहा है अब तो। अरे यार हाँ हाँ डांस करेंगे नहीं क्या, इतनी कार जो अचानक से बिक गई। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन बहुत थैंक्स, मैं आज बहुत खुश हूँ यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो भाई साहब हमारी वजह से सिमोन खुश तो हो गया, लेकिन गाइस अभी ना हमारे पास बहुत सारा काम है। पहले ना इन सभी गाड़ियों को लेके जाना है, फिर कहीं पे इन्हें जोड़ना भी है, उसके बाद लेस्टर को दिखाएंगे कि देख हमारे पास लॉस सैंटोस की सबसे लंबी कार है। तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो सिंचन जल्दी बैठ यार, टाइम वेस्ट मत कर। अरे बैठ रहा हूँ टेंशन मत करो। अरे हाँ हाँ गाइस मैं भी ट्रक के ऊपर बैठ जाता हूँ, गाड़ियाँ अगर गिर गई तो मैं गाड़ियों के साथ दब जाऊंगा यार। हाँ हाँ बोल तो सही रहा है। Let's go guys, अभी ना काफी ज्यादा वजन है ट्रक के पीछे, लेकिन मेरे को आराम आराम से चलाना पड़ेगा।
लेकिन गाइस मैं ये सोच रहा हूँ एक गाड़ी भी गिरेगी तो सारी गाड़ी गिर जाएंगी। अरे यार गाड़ी पीछे ले लो ना, आपको दिखाई नहीं देता इतना बड़ा ट्रक जा रहा है यार। अरे यार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, सब अपने अपने काम पे बिजी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपने रास्ते में ही जाएंगे ना। अबे यार सही में इतना बड़ा गाड़ी चलाना लिटरली गाइस कोई आम बात नहीं है, और मेरे से संभालने में भी नहीं आ रही यार। सही में इतनी गाड़ी, 1 2 3 हाँ वो तो मुझे पता है, पूरी की पूरी 8 गाड़ियां हैं। ओ भाई लगे तो बताइए सिंचन, ठीक है ना। अरे यार वो सब तो ठीक है, रुको। अबे अब क्या हो गया, अब क्यों रुकवा रहा है गाड़ी को। अरे मैं कह रहा हूँ यार ये लॉन्गेस्ट कार बनाएंगे कहाँ। अबे हाँ भाई साहब, इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ जोड़ना, वो भी इतना सारा जगह, हमें जाएंगे तो जाए कहाँ। अबे हाँ एयरपोर्ट है ना सिंचन। अरे एयरपोर्ट में यार प्लेन लैंड होता है तो एयरपोर्ट में तो नहीं हो पाएगा ना। अबे एयरपोर्ट में हो जाएगा, साइड में बहुत सारी जगह खाली होती है। चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। गाइस सही में सिंचन ने याद दिला दिया, अभी हम लोग ना घर पहुँच जाते और उसके बाद सोचते ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया सिंचन ने। चल सिंचन तूने कोई काम तो बढ़िया किया यार। अरे यार मैं सारे काम बढ़िया ही करता हूँ समझे क्या। गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है ये ट्रक, लाइफ में मैंने तो पहली बार देखी इतनी बड़ी ट्रक यार। अबे यार देखी तो मैंने भी पहली बार है। देखो गाइस अभी ना हम लोग बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, और ये ट्रक तो घींच भी नहीं पा रही, पूरा पावर लगा रखा है तब भी जाके इतनी स्लो चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ना मैं लेके चलता हूँ धीरे धीरे, और आप लोग ना क्या करोगे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो बहुत फास्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस वो भी बहुत ज्यादा फास्ट में। और यार देखो ये ट्रक कैसे डगमगा रही है। अरे आराम से चलाओ, अरे ठोक दोगे क्या लोगों को। गाइस यार बिल्कुल तबाही मचाते हुए जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ से। अब यार ट्रक की पूरी पावर लगा रखी है तब भी जाके मैं बहुत धीरे धीरे खींच पा रहा हूँ यार। अरे कोई नहीं लेट्स गो गाइस। अभी देखो मैं काफी तेजी में आ रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना थोड़ा ढलान है और हमारी ट्रक की स्पीड बढ़ गई है। लेकिन गाइस अब तो ब्रेक नहीं लग रहे, अबे आराम आराम से, सामने फ्लाईओवर है। गाइस देखो अब मैंने बहुत तेजी में ब्रेक मारा लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी हिल गई। चलो अब एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं गाइस। अरे चलो गेट खोल दो यार, बड़े एयरपोर्ट में इतना बड़ा काम होने जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं तो आज। अरे यार तेरे से ज्यादा खुश तो मैं हूँ, क्योंकि ना लास्ट भैया ना सबसे ज्यादा मुझे चिढ़ाया है, मैंने उनकी गाड़ी में बैठ भी गया था गाइस फिर उन्होंने मुझे उतार दिया। चलो आज मैं बदला लेके रहूंगा। अबे यार सही में अब तो लगता है ट्रक की पावर भी बढ़ गई, अब इतने स्पीड में जा रही है। ओबे भाई ड्रिफ्ट देखो गाइस कितनी भयंकर लग रही है। ओ भाई बच गए गाइस, अभी तो ट्रक पलट जाती यार। अरे आराम से ऐसे भी ट्रक मत पलटाओ यार, अभी सारी गाड़ियां टूट फूट गई ना तो हमारा ही नुकसान होगा। अबे हाँ बोल तो सही रहा है। लेट्स गो गाइस, अभी ना मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर, अब ना सारी की सारी गाड़ियों को नीचे उतारते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। आजा सिंचन मतलब अबे यार नीचे वापस आ गया। चलो गाइस मैं आप लोग से ना सारी गाड़ी उतार के मिलता हूँ, तो सिंचन मेरी मदद कर यार फटाक से। अरे हाँ ठीक है। तो गाइस आप लोग देखो फैंकी भैया ने सारी गाड़ियाँ लाइन से लगा दी। अरे मान गया फैंकी भैया आपको तो। अबे यार सारी गाड़ियाँ नहीं, अभी 2 गाड़ियाँ रह रही हैं, अभी तो मैंने टोटल 6 गाड़ियाँ उतारी हैं गाइस। चलो अरे ये गाड़ी पलट कैसे रही है। अच्छा गाइस एक अरे वो गिर रही है यार। अरे टूट ना जाए हमारी गाड़ी है यार। अबे यार मुझे अबे पीछे वाली गाड़ी भी गिर गई। गाइस ऐसा इसलिए हो गया ना कि पूरा ट्रक का भार ना एक तरफ आ गया, इसीलिए गाड़ियाँ गिर गई। कोई बात नहीं अभी वो वाली गाड़ी गिरी नहीं है, अभी इसको लाइन से लगाता हूँ, उसके बाद उस वाली गाड़ी को भी आराम से उतार लूंगा। गाइस सही हुआ सारी गाड़ी एक तरफ नहीं आई, वरना तो अभी सारी की सारी गाड़ियाँ पलट जाती। चलो और ये 7वीं गाड़ी, अब लास्ट वाली गाड़ी। वेट मुझे ट्रक भी हटाना ही है ना, सीधा ट्रक हटा देता हूँ उसके बाद वो गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी यार। अरे बिल्कुल सही बोला, दिमाग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, सही बोला वेंकी भैया। चलो आराम से और ये नीचे, देखा क्या दिमाग है मेरे पास। अरे हाँ इस ट्रक को उधर जाके रख दो यार। अबे रख रहा हूँ गाइस। चलो इस ट्रक का कोई काम नहीं है, अभी मैंने रख दिया है और मैंने इसको भी अलग अलग कर दिया है। चल सिंचन अभी हम लोग को बहुत सारा काम है यार, अभी गाइस हमें एक ही गाड़ी को वेल्डिंग करनी है, उसके बाद सभी गाड़ी को परफेक्ट जोड़ना भी है, और गाइस अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है। चल सिंचन मैं ना फटाफट से गाड़ियों के पीछे गाड़ी खड़े करता हूँ, और तू फटाफट से वेल्डिंग कर दियो यार, ठीक है ना। अरे मैं वेल्डिंग करूँ? हाँ कर तो लूंगा,
गाइस मुझे वेल्डिंग करना आता है। एक बार घर में मैंने गलती से गेट तोड़ दिया था, उसके बाद मैंने ही वेल्डिंग करके गेट को चिपकाया था यार। चलो फिर मैं फटाक से ना ये वाले उसके पीछे रख देता हूँ, और सिंचान तो काम पे लग जा, और चौप तो कुछ करेगा नहीं लेकिन गाइस खड़े खड़े देखेगा। चलो और ये गाड़ी, लिटरली गाइस ये वाली गाड़ी काफ़ी लंबी है, लेकिन ये जब आठ आठ गाड़ी एक साथ होगी तो सोचो कैसा होगा, लॉस सैंटोस में हमारा क्या नाम चलेगा। और चलो अरे रामजी इतना पास मत रखना, वो बाकी का काम मैं कर लूँगा। गाइस मुझे अच्छे से अटैच करना होगा, मैं देख रहा हूँ। हाँ यहाँ से ये, हाँ फ्रेंकी भाई मैं सब समझ गया यार, काम शुरू कर दूँ क्या? हाँ आ जा इधर तो आ पहले। गाइस लिटरली सिंचन ना वेल्डिंग कर लेगा और मैं सारी की सारी गाड़ी एक के पीछे एक रखता जाऊंगा, और लास्ट में मैं भी मदद कर दूंगा थोड़ी सी जब मेरा काम हो जाएगा। तो सिंचन तू स्टार्ट कर, जब तक ना ये मशीन मैं ऑन कर चुका हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ ठीक है मशीन ऑन है ना। चलो गाइस मैं अपने काम को अपने दिल से करने जा रहा हूँ। चलो यार। अबे दिल नहीं हाथ लगाइयो, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ दिल लगाऊंगा तो दिल ही जल जाएगा, छोड़ो गाइस मैं हाथ से ही काम करता हूँ। हाँ मैंने काम शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ लगाओ यार। अरे ठीक है गाइस यार सिंचन ने तो काम स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं काम करता हूँ, फटाफट सभी गाड़ियों को एक के पीछे एक लगाता जाता हूँ। अबे सिंचन आराम से काम करियो, कोई गलती मत करियो, ठीक है ना? गाइस वो सिंचन है ना काफी ज्यादा आलसी है, कई बार ना सो जाता है काम करते करते। गाइस यार मैं कभी नहीं सोता, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं कब सोया था बताना एक बार भी। अबे यार लास्ट टाइम मैंने तुझे बोला था घर में झाड़ू लगा दे, गाइस झाड़ू के ऊपर सर रख के सो गया था। सही में उस टाइम मैंने फोटो खींचा होता ना तो पक्का मैं आपको दिखा देता यार। अरे कभी कभी हो जाता है गाइस यार, इंसान थक जाता है तो क्या करेगा, सो ही तो जाएगा। अरे ठीक है बहाने मत मार और काम कर। गाइस रुक जाओ इसको एक के पीछे एक खड़ी करता हूँ, और हाँ जब तक हम लोग काम करते हैं ना आप लोग वीडियो लाइक कर दो गाइस। अरे यार मैंने चिपका दिया, लास्ट गाड़ी जल्दी से लेके आओ। रुक जा ला रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब ये लास्ट वाली गाड़ी को अटैच करते हैं, उसके बाद हमारे पास लॉस सैंटोस की सबसे लंबी कार होगी गाइस। चलो थोड़ा आगे और थोड़ा आगे। अरे सिंचन बताइयो कितना आ गया हूँ। अरे रुको आ गया, चिपका दो इस बार थोड़ा चिपका दो। ये रहा, ठीक है डन। अरे लो फिर गाइस काम हो गया डन। एक काम करता हूँ, सिंचन करेगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं भी जाता हूँ साइड और काम स्टार्ट करता हूँ, जिससे काफी जल्दी काम खत्म हो जाएगा गाइस। अभी ना देखना है कि ये गाड़ी चलेगी भी नहीं चलेगी, क्योंकि गाइस ये खराब भी रहती कई बार। लेट्स गो। अरे खराब नहीं होगी, टेंशन मत करो, ये गाड़ी सक्सेसफुली चलेगी और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो गया यार। अबे वो तो हो जाएगा, लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हमने इस गाड़ी में सबको बिठाया तो कितने सारे लोग बैठ जाएंगे, देख रहा है? मतलब यार आधा लॉस सैंटोस हमारे साथ घूम सकता है एक साथ। अरे आधा तो लॉस सैंटोस नहीं, वो तो ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ लोग तो बहुत सारे बैठ जाएंगे। गाइस एक बात बताऊं, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने ट्रेन बना दी रोड में। हाँ बोल तो सही रहा है, एक ट्रेन है जो रोड में चलेगी। एक दो कितने सारे टायर है भाई साहब, ये तो मैं गिन ही नहीं पाऊंगा। चलो अब टाइम आया गाइस इसको चलाने का। एक कार, दो कार, ये तीसरी कार, ये चौथी कार, और ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, और ये वाली आठवीं कार। गाइस मतलब पूरे के पूरे आठ कार हमने अटैच कर दिया है, अब काम आया चलाने का। देखते हैं ये चलती है कि नहीं चलती है, काश ये चल जाए सिंचन, फिर तो हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी यार। अरे मेहनत बर्बाद नहीं होगी वो तो मुझे भी पता है, गाइस देखना पक्का चल जाएगी। अरे यार बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली इतनी लंबी कारों का मालिक है हम लोग यार। चलो गाइस अब टाइम आया इसको चलाने का, तो देखते हैं ये वाली गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है। तो सिंचन तू तैयार है बैठने के लिए? अरे मैं तो पहले से तैयार हूँ यार शुरू से। चलो गाइस बैठ के देखते हैं यार। मैं भी बैठ गया हूँ, अब देखते हैं ये चलती है कि नहीं। एक दो, अभी घसकी, अभी ये तो चल भी रही है भाई साहब, इतनी सारी गाड़ियाँ। एक अबे यार सॉरी वो तो गलती ठोक दिया, लेकिन गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही है, ये तो रेलगाड़ी जैसी लग रही है सिंचन। अरे ये बात तो मैंने आपको पहले ही बोली थी गाइस, इतनी लंबी कार है ट्रेन जैसी तो दिखेगी और क्या है। गाइस लिटरली इतनी लंबी कार, ये तो लॉस सैंटोस में मात्रम हमारे पास है। अरे यार ये चौप भाग रहा है हमारे पीछे, जल्दी बैठ चौप। अरे हाँ मैं देख रहा था दूर से कि ये कितनी लंबी लग रही है यार, सच में ऐसा लग रहा है कि ट्रेन बना दी ट्रेन। गाइस वेट, एक काम करते हैं इसको फुल स्पीड में भगाते हैं,
क्योंकि गाइस ये 8-8 गाड़ियों की पावर है इसके अंदर। देखते हैं कितनी स्पीड भागती है। अबे यार कितनी प्यारी लग रही है, इतनी लंबी ट्रेन लग रही है सिंचन मेरे को, दिए पूरी की पूरी। अरे ट्रेन ही तो लगेगी जब काम सिंचन ने किया है तो। अबे यार चल छोड़िए सब, अब हम लोग चलते हैं लास्ट बे के पास। लिटरली गाइस इतनी लंबी कार के मालिक है हम लोग। अब तो क्या लेस्टर भैया, अब तो उनकी पूरे दोस्तों को हम लोग बिठा के एक साथ घुमा सकते हैं यार। अरे यार उनने आज हमारे से सही नहीं किए थे, अब हम भी उनके साथ सही नहीं करेंगे, नहीं बिठाएंगे यार। हाँ हम भी नहीं बिठाएंगे उनको। चलो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अब लेस्टर भैया को दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी लंबी कार है, आज वो भी देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे यार। अरे बिल्कुल सही बोला। तो गाइस चलो अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं यार, मजा आएगा। गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और यार फटाक से चलते हैं लेस्टर भैया के पास और उनको बताएंगे कि देख लो किसके पास है लॉस सैंटोस की सबसे लंबी कार, वो है हम। गाइस चलो अब यहाँ से चलते हैं। और हाँ आपको ये वाली गाड़ी कैसी लगी फटाफट से कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। गाइस चलो अब यहाँ से निकलते हैं फटाक से। अरे चलाओ चलाओ, ए सब लोग एक्साइटेड हो, ट्रेन आ रही है ट्रेन। ऑल राइट गाइस ये देखो ऐसा लग रहा है ना कि पूरा लॉस सैंटोस हमें ही देख रहा है यार। ओए भाई क्या गाड़ी है, बड़ी मस्त लग रही है यार। अरे तुम क्या सब बोलोगे मस्त लग रही है, गाइस लिटरली देखो आधा फ्लाईओवर घेर लिया इसने अभी ना। चलो ये देखो सामने है लेस्टर भैया का ऑफिस, अब आराम आराम से इसको अंदर घुसाते हैं वहाँ पर। भाई ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है यार, कहाँ से खरीदी तुमने? अरे ये बस मात्र मेरे पास है, कहीं नहीं मिलेगी ये गाड़ी। अरे साइड हट जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? चलो ये देखो चीटी सी गाड़ी और हमारी गाड़ी देखो इतनी लंबी है यार। अभी यही आए थे ना अपनी कार का शो ऑफ कर रहे थे, चलो उतरो अब बताते हैं। अरे लेस्टर भैया कहाँ बारह? अरे इतना मत चिल्ला ठीक है ना। अरे लेस्टर भैया अरे कहाँ गए, आ जाओ अब दिखाता हूँ किसके पास लंबी कार है। और ये देखो ये दो बार मारा था मेरी गाड़ी में, एक और दो। अरे छोड़ दो छोड़ दो, गरीब की गाड़ी मत खराब करो। गाइस आप लोगों ने देखा था ना उन्होंने हमारे साथ कैसे सलूक किया था। लेस्टर भैया जल्दी बाहर आओ। अरे लेस्टर कहाँ हो, जल्दी आओ। उड़ी बाबा ये फ्रैंकलिन और सिंचन पागल है क्या, मेरी गाड़ी में बैठने वापस आ गए। सच में इनको जितना समझाओ ये उतने ही घटिया हो गए हैं। रुको बताता हूँ बाबा, क्या है बाबा तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो बाबा? वाह तुम्हारी गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो सबसे लंबी कार है लॉस सैंटोस के मेरे पास। उड़ी बाबा ये सच है क्या? अरे हाँ हाँ ये सच है, अब क्या हुआ बेहोश हो गए? उड़ी बाबा सच में फ्रैंकलिन क्या गाड़ी है यार, ये गाड़ी कहाँ से लाए, मैं भी लेके आता हूँ अभी बाबा। अरे ये गाड़ी तो कहीं नहीं मिलने वाली, मात्र मेरे पास है। और ये देखो जैसे कलर के मेरे कपड़े है ना, सेम टू सेम मैंने उसी कलर के करवाए इस गाड़ी को यार। उड़ी बाबा ये कैसे किया तुमने बाबा? अरे बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया था बाबा। अरे क्या कह रहे थे, लंबी कार ये तो मेरी एक गार के भी बराबर नहीं है। चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और घूमने जाएंगे, अब तो बहुत मजा आएगा सिंचन, चल यहाँ से निकलते हैं हम लोग भी। अरे बिल्कुल सही बोला है, मजा आएगा चलो चलो। उड़ी बाबा यार मुझे माफ कर दो फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया बाबा, मुझे भी ले चलो प्लीज बाबा। क्या बोल रहे हो, चलो गाइस माफ किया, चलो आ जाओ लेस्टर भैया, आज के बाद कभी ऐसा मत करना किसी के साथ ठीक है ना। उड़ी बाबा ठीक है वाह बाबा क्या गाड़ी है, ओहो क्या सीट है बाबा, थैंक्स फ्रैंकलिन तुमने मेरी यार हेल्प कर दिया आज। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो गाइस अब इस वाली गाड़ी से हम लोग घूमने जा रहे हैं। और हाँ आप लोग को ये वाली वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो गाइस क्या करोगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। अरे हाँ हाँ चलो चलो, अरे राम जी यार ठोको मत लोगों को, तो बाय गाइस।